We have writer-director Zaigham Imam ji today with us, whose upcoming movie Nakkash is releasing this month only on 31st of May. Let's talk something about the movie Nakkash. Zaigham ji, how excited are you to be part of this movie Nakkash, and how is it different from your previous movies? You have already given a wonderful movies in past, so how different is it, and what are your expectations like? Honestly, main kahunga ki देखिए डिफरेंस का सवाल होता है ना फिल्म मेकर के लिए बड़ा ये सवाल तो जर्नलिस्ट हमेशा पूछते हैं कि हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो ये सवाल हमेशा पूछते हैं कि कैसे ये फिल्म अलग है कई सारे मायनों में अलग है पहले जो मेरी इसके पहले दो फिल्में थी बहुत ज़्यादा सोशल तरीके की फिल्में थी ये एक सोशल पोलिटिकल थ्रिलर है तो ये फिल्म बनारस में बेस्ड है इसकी कहानी लेकिन इसमें एक्टर्स थोड़े अलग हैं बड़े एक्टर्स हैं और इसके अलावा इस कहानी में आज की चीज़ें आज का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा दिखने वाला है लोगों को तो लोग रिलेट करेंगे सच्चाई से आज की बातों से आज की चीज़ों से तो मुझे लगता है इसलिए ये फिल्म मेरी पिछली फिल्मों से बहुत अलग है क्योंकि आज की सच्चाई और आज के बारे में बहुत अच्छे से इसको बयां करेगी बनारस इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी जी एंड व्हाई बनारस ओनली और समथिंग लाइक दिस राइट इंटरेस्टिंग सवाल है लेकिन हमेशा मुझसे पूछा जाता है बनारस इसलिए भी क्योंकि बनारस मेरा भी घर है मैं रहने वाला हूँ बनारस का और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी भी लड़ने जाते हैं तो बनारस लड़ने जाते हैं बनारस एक ऐसी जगह है जो बहुत किताबी बातों में कहें या ऐसे कहें तो एक इंडिया की राजधानी है कल्चरल राजधानी है उसको कहा जाता है इस तरह की चीज़ें हैं ना जिस तरह की फिल्में मैं बनाता हूँ हिंदू मुस्लिम एकता या इस तरह की जो बातें होती हैं वो बनारस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो सब्जेक्ट है फिल्म का जहाँ पे आप बहुत क्लियर हिंदू शब्द यूज़ कर रहे हैं मुस्लिम शब्द यूज़ कर रहे हैं पॉलिटिक्स उसमें यूज़ कर रहे हैं मंदिर यूज़ कर रहे हैं एक मुस्लिम कारीगर यूज़ कर रहे हैं तो बनारस से अच्छा शहर नहीं हो सकता इस कहानी को बनाने के लिए मैं चाहता भी तो मैं कुछ और चुन नहीं सकता था बनारस के अलावा इस फिल्म के बैकड्रॉप के लिहाज से कहूँ और एक मेरा इमोशनल कनेक्ट है खुद का मैं बनारस का रहने वाला हूँ मैं ज़्यादा चीज़ों को समझता हूँ जानता हूँ इसलिए भी मैंने बनारस को चुना सो आर यू ट्राइंग टू ग्लोरीफाई द सिटी बनारस और द रीजन इज समथिंग एल्स ऑनेस्टली मैं उस शहर को ग्लोरीफाई करना चाहता हूँ ये सच्चाई है बिल्कुल मैं उसका कल्चर उसके जो कल्चरल थ्रेट्स हैं और उसमें जो एक संस्कृति की बात आती जो है बनारस के अंदर जो एक अंडर करेंट है मिला जुला अंडर करेंट बहुत जनरली लोग यूज़ करते हैं सिर्फ पॉलिटिकल अंडर करेंट या दूसरा मैं इसको कल्चरल अंडर करेंट कहूँगा जो एक लंबे समय से वहाँ पर चला आ रहा है मैं उसको ज़रूर ग्लोरीफाई करना चाहूँगा कि लोग वो समझें और देखें कि इंडिया कैसा होना चाहिए ये बनारस को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिल्म की बात करें आज की डेट में प्रमोशन एक बहुत इंटैक्ट पार्ट हो गया मार्केटिंग ऑफ द मूवी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर ऐसे में देखें वन ऑफ योर लीड एक्टर कुमुद मिश्रा जी आपके किसी भी इवेंट में किसी भी ट्रेलर लॉन्च हो या कुछ भी किधर नज़र नहीं है सो एज ए प्रोड्यूसर आई एम टॉकिंग टू यू आपका क्या कहना है देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊँ देखिए क्या होता है ना कि सिनेमा एक कलेक्टिव एफर्ट्स से बनता है और उसकी मार्केटिंग में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं नहीं आते हैं जैसे इनामुलहक साहब हमारे साथ हैं शारिब हाशमी साथ हैं ये साथ हैं कुमुद जी का एक सवाल आपने पूछा बहुत ही कमाल के एक्टर हैं उससे भी ज़्यादा बेहतरीन वो कलाकार हैं इंसान हैं बहुत ज़्यादा अच्छे कुमुद जी ने शुरू में जब बात हुई थी हमारी तब भी ये पहले बात हुई थी निकल के आई सामने कुमुद जी थोड़ा बचते हैं शाई हैं मीडिया शाई हैं अगर आप देखें ऑनेस्टली बता रहा हूँ आप चेक कर सकते हैं मैं किसको कि सिर्फ इसलिए कोई मेरा डिफेंड नहीं है मेरी उनसे कोई ऐसी कोई बात नहीं है कोई बचाने को बहुत कम इवेंट्स में आते हैं और आजकल उनकी एक फिल्म की भी शूटिंग चल रही है वेब सीरीज़ चल रही है उसमें वो बिजी थे बहुत ज़्यादा तो इस वजह से वो नहीं आए मैं होप करता हूँ कि अभी जो अगले 10 दिन बचे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो आएंगे ज़रूर हमारे साथ अभी व्यूअर से आप क्या कहना चाहेंगे व्हाई पीपल शुड वॉच नक्काश देखिए लोगों को नक्काश इसलिए देखना चाहिए मैं हमेशा से ये बात कहूँ थोड़ी प्रीची हो सकती है बात लेकिन फिर भी कि सिनेमा जो सिर्फ है वो सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है उसके कई सारे पहलू कई सारे एस्पेक्ट हैं आप अगर एक बेहतर फिल्म एक थ्रिलर सोशल थ्रिलर जिसमें आज की बातें भी हों और उतना ही ज़्यादा आपको बांधे रखने की जो क्षमता है उस फिल्म के अंदर है तो मुझे लगता है कि एक अलग तरह का सिनेमा जिसको देखना पसंद है क्योंकि नाच गाना डांस ये सारी चीज़ें हर फिल्म का हिस्सा है मोस्टली हिस्सा है बॉलीवुड का हिस्सा है लेकिन इससे थोड़ा इधर फिल्म है थोड़ा एक इंटरनेशनल क्लास की बात अगर हम करें थोड़ा आज का थ्रेड जो आपने शुरू में भी कहा एक एक कल्चर इंडिया का कल्चर और दूसरी चीज़ें अगर देखनी है तो नक्काश देखिए आप थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम थैंक्स जेगम जी